नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सिर्फ धन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। धन विधेयक क्या है? पिछले वीडियो में 9, 10, 11, 12 में पढ़ा था, जो वो सब जाओ भूल, क्योंकि धन विधेयक में ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक चीज़ जो समझ गए तो धन विधेयक पूरा समझ में आएगा। और जो हमारा धन विधेयक है, धन विधेयक क्या होता है? बिल जो हमारे होते हैं धन से जुड़े मामले, जिसे विधेयक, धन विधेयक। धन विधेयक क्या है? पैसे से जुड़े मामले धन विधेयक कहलाते हैं। अब हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकसभा, ये सब सदन होते हैं। अब इन सबका कैसे खर्चा चलता है? हमारे यहाँ दो निधि होती हैं, एक संचित निधि, एक आकस्मिक निधि। इन दोनों निधि का उपयोग करके हमारी सरकारें अपना खर्चा चलाती हैं, है ना? इसी का बजट बनता है। तो आपको हम एक चैप्टर में पूरा समझा देंगे। इसमें हमें पढ़ना है आर्टिकल 109। आर्टिकल 109, 10, 11, 12 तो आपको हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 109 से आर्टिकल 117 तक पूरा बताएंगे आपको, जिससे आगे से कोई धन विधेयक पर डाउट क्लियर ना हो, है ना? तो आपको पहले हम एक बनाते हैं भवन। ये हुए हमारा भवन, जिसे हम कहते हैं संसद। ये संसद है, एक तरफ है राज्यसभा, एक तरफ है लोकसभा। इसमें 245 सदस्य बैठते हैं, इसमें 545। अब यही दोनों हैं, पूरा अपना कारखाना चलाने के लिए लोकसभा राज्यसभा पूरा कारखाना चलाती है ना अपना। इन दोनों के सिवा है कोई नहीं मैदान में। अब आओ जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 109 धन विधेयक क्या है। धन विधेयक आर्टिकल 109 के अंतर्गत संसद को राज्य से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, है ना? आर्टिकल 109 धन विधेयक जो होगा हमारा, पास करना होगा तो संसद को राज्यसभा से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही कहता है आर्टिकल 109। कोई विधेयक है पास कराना है तो सलाह की ज़रूरत नहीं है धन से जुड़ा मामला, क्योंकि धन विधेयक में जो है ना हाथ पैर इसके बांध दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 109 आपको बताया था, यहाँ पर भी थोड़ा कह लो, संसद को अधिकार है, राज्य से सलाह ले सकती है। जो हमारी संसद है ना, उसको धन विधेयक बनाने का पूरा अधिकार है, सिर्फ राज्य सरकार से रिकमेंडेशन ले सकती है, सलाह, उसे आर्टिकल 109 में दर्शाया गया है। प्रश्न में पूछा जाए आर्टिकल 109 क्या है, तो आर्टिकल 109 संसद को अधिकार है कोई बिल बनाने का और पारित करने का धन विधेयक के रूप में, है ना? जिसमें राज्य सलाह से सलाह ले सकती है, और राज्य सरकार 14 दिन के अंदर जो वो बिल देख के सलाह नहीं देती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिल पास हो जाएगा। फिर आर्टिकल 10, भारतीय संविधान का आर्टिकल 10, डिफिनेशन ऑफ मनी बिल, मतलब धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा बताता है। जो कोई धन विधेयक होगा हमारा, उसे क्या बोलते हैं? धन विधेयक वह विधेयक है जिसमें पैसों से जुड़े मामले आते हैं, वह धन विधेयक कहलाते हैं। जैसे किसी कर्मचारी को वेतन देना है लोकसभा राज्यसभा, किसी क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट करना है, राइफल वगैरह मंगानी है देश से, तो ये डिफिनेशन है धन विधेयक की। मतलब धन से जुड़े सारे मामले धन विधेयक हैं। आप समझ जाओ सब मामले ऐसे ही हैं, राइफल खरीदना, मनरेगा में लगाना, कर्ज माफ़ करना, है ना, विकलांगों को साइकिल बांटना, गौशाला बनवाना, सब धन विधेयक में बिल पारित होता है इनका, उसे धन विधेयक कहते हैं। आपने सुना ना, सांसद फंड से इतना लाख रुपया मिला, फंड हैं सब, है ना, फंड ही होते हैं। हर लोकसभा अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के लिए फंड मांगता है, मतलब वो सब धन विधेयक मामले हैं। आपको पूछा जाए आर्टिकल 110 क्या है, तो आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है, ये बताओगे। फिर आओ आर्टिकल 111, विधेयक पर अनुमति। अब जैसे कोई विधेयक है हमारा, धन से जुड़ा मामला है, उसे पास करना है, तो पहले तो लोकसभा चर्चा करेगी और लोकसभा पास करेगी, लोकसभा पास कर देगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति पास कर देगा। तो ऐसे मामलों को आर्टिकल 111 के अंतर्गत लेते हैं धन विधेयक पर अनुमति। कौन देगा? लोकसभा, और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सहमति दे दी तो मानो बिल फिक्स है, कोई नहीं काट सकता, राज्यसभा भी नहीं काट सकती, कि राज्यसभा तो वैसे ही यूँ बिल्कुल से यार ऐसा पड़ी रहती है, धन विधेयक के मामले में तो कहीं ही नहीं। और इसमें एक चीज़ और है, जो आर्टिकल 10 है ना, मनी बिल, मनी बिल में एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है,
उसे हम मनी बिल कहते हैं। मनी बिल तो वैसे ही पास कर सकती है, उसमें राज्यसभा का कोई रोल होता ही नहीं है। तो आर्टिकल 111 तक आपका ये हो गया, आपको समझ में आया होगा। अब हम जान लेते हैं थोड़ा आर्टिकल 112 के बारे में। आप कह रहे थे आर्टिकल 112 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 111 क्लियर हो गया, अब फिर आर्टिकल 112 में यहाँ दे रखा है समझाने के लिए। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है। जो हमारा नया सत्र लागू होता है उसमें जो वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है, जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, है ना। पूरे साल का खर्चा इतना बड़ा चिट्ठा गजल निकल के पूरी स्लिप कि इतना पैसा वहाँ देना है, इतना पैसा वहाँ लगाना है, इतना उस प्रोजेक्ट में लगाना है, वो बंद पड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ चालू कराना है, वो सारा बजट में दिखाते हैं, जिसे हम आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, उसमें दिखा देते हैं। तो आपको 112 तक समझ में आ गया। अब हम परीक्षा में पूछा जाए आर्टिकल 112 क्या है, तो बताओ कि आर्टिकल 112 वित्तीय बजट के बारे में बोलता है। फिर आर्टिकल 113, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 113 क्या है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 113, सरकार खर्चे के लिए पैसा निकाल सकती है। अब सरकार खर्चे के लिए पैसा निकाल सकती है, किस कंडीशन में पैसा निकालेगी, जो सरकार होगी खर्चे के लिए पैसा निकाल सकती है, आर्टिकल 113 में कहा गया। पूरा घुमा फिरा के पैसे से रिलेटेड है, तो थोड़े थोड़े अधिकार घटा बढ़ा दिए गए हैं कुछ आर्टिकल में। पूरा धन विधेयक आपको यहीं हम सॉल्व करेंगे अभी। आर्टिकल 113 में सरकार खर्चे के लिए पैसा निकाल सकती है। अब 113 में क्या कहा गया कि पैसा निकाल सकती है, बट जज प्रधानमंत्री और वेतन, जो हमारे जज प्रधानमंत्री और लोकसभा राज्यसभा के कर्मचारी, अलाउंसमेंट, हाउस भत्ता, वेतन, इन सब के लिए पैसा निकाल सकती है और वोटिंग नहीं होगी, है ना, वोटिंग नहीं होगी, बट चर्चा हो सकती है लोकसभा में, इसके विपक्ष में चर्चा हो सकती है लोकसभा में, और राष्ट्रपति की सलाह पे ये बिल पारित हो जाएगा। और पैसा कहाँ से निकालेंगे, संचित निधि से। तो आर्टिकल 113 में यही कहता है, जो चर्चा हो सकती है, वोटिंग नहीं होगी बट, और पैसा निकाल सकते हैं संचित निधि से, क्योंकि हमारे भारत में दो निधि हैं, संचित निधि, आकस्मिक निधि। तो संचित निधि से पैसा निकाल लेंगे, आर्टिकल 113 में प्रावधान है कि पैसा निकालने के उद्देश्य से कोई वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ चर्चा हो सकती, बहसबाजी हो सकती है पक्ष विपक्ष में कि पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है ना, बाकी कोई डाउटफुल नहीं है। फिर आर्टिकल 114 क्या कहता है, जो हमारा धन विधेयक होगा, धन विधेयक जिसे हम सहमति बिल भी कहते हैं, इस पे क्या होगा कि दोनों सदन की सहमति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मामला होता है ना, ये कुछ से कानून पास करना, जैसे कोई विधेयक आया उसको पास करना है, तो उसका एक कानून लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, कानून, उसे लोकसभा की सहमति पर, लोकसभा की सहमति पर आर्टिकल 114 के अंतर्गत सहमति बिल को पास किया जाएगा। आर्टिकल 114 यही कहता है कि सहमति बिल पास होना चाहिए, जो पैसा निकालना है अभी लोकसभा की सहमति पर, है ना। अब उसको जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, वहाँ सहमति बिल हो गया, वहाँ सहमति चाहिए लोकसभा की, फिर आर्टिकल 115, प्रोसेस वही है, लोकसभा पारित करेगी फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना। फिर आर्टिकल 115 क्या कहते हैं, आर्टिकल 115 में तीन चीज़ों में पैसा निकालते हैं संचित निधि से, सप्लीमेंट्री मनी, एडिशनल मनी, एक्सेस ग्रांट मनी। सप्लीमेंट्री वह मनी है, जैसे हम किसी से पैसा, किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, पैसा कम पड़ गया, तो हम सप्लीमेंट्री मनी से पैसा निकाल सकते हैं। और एडिशनल मनी, किसी प्रोजेक्ट मनरेगा पे काम चल रहा है, वहाँ पर पैसा जो है ज़्यादा लग रहा है, तो हम यहाँ से निकालेंगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं पैसा ज़्यादा खर्च हो गया। फिर एक्सेस ग्रांट, हमें किसी काम को चालू करना है और हमें उससे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल जो हमारा 112 है और 111 और 113, इन सब में जो पढ़ा, आर्टिकल 111 जो हमें इन चीज़ों के लिए पैसा लेना है, तो आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार खर्च पहले ही बता देती है,
इसमें वो सब सम्मिलित होना चाहिए। तीसरा, सरकार के खर्च के लिए पैसा निकाला जा सकता है किसकी सलाह पे? राष्ट्रपति की सलाह पे, और चर्चा हो सकती है। और आर्टिकल 114 में कहा गया है सहमति बिल, कानून पास होगा लोकसभा की सहमति से। तो आर्टिकल 115 में कहा गया है पैसा चाहिए तो संचित निधि से, और ये तीनों आर्टिकल मिला के एक बिल पास होना चाहिए। फिर आर्टिकल 116 क्या कहता है, एक्सेस ग्रांट मनी, ज़्यादा पैसा चाहिए। जैसे हमारा 2019 तक का बजट पूरा हो गया, अब हमें 2019 में ही पैसा चाहिए, 2020 में बजट शुरू होना है, तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, हमें 2017 के पहले ही पैसा चाहिए, एक्सेस एक्सेस ग्रांट मनी, ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा ज़्यादा पैसा चाहिए 2017 के पहले, तब वहाँ पे वोटिंग होगा और वहाँ पे बिल पेश होगा कि ये काम बंद पड़ा है, इस प्रोजेक्ट को हमें पुनः चालू करना है। उस कंडीशन में उस बंद काम को चालू करने के लिए वहाँ पे वोटिंग होगी, लोकसभा राज्यसभा सहमति देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा ठीक है, बढ़िया बिल है, इसे पास करो। तो वहाँ पर बंद काम को चालू करना, एक्सेस ग्रांट मनी एक आर्टिकल 116 के अंतर्गत वह बिल भी पास हो जाएगा या रद्द हो जाएगा। फिर आर्टिकल 117 क्या कहता है, धन विधेयक के बारे में स्पेशल बिल संसद पेश करेगी। आर्टिकल 117 के अंतर्गत जो संसद बिल पेश करेगी उसे स्पेशल बिल माना जाएगा, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय वार्षिक विवरण आर्टिकल 112 में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि यह बिल जो आर्टिकल 117 के अंतर्गत होंगे वो किसी का टैक्स माफ़ करना, किसी पे टैक्स लगाना, ग्राम पंचायत की टैक्स बढ़ाना घटाना तथा किसी अन्य चीज़ पर टैक्स घटाना बढ़ाना, उसके बारे में आर्टिकल 117 धन विधेयक में आता है, लेकिन एक आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण में नहीं आता, जो सरकार खर्च बताती है। तो इसे धन विधेयक में संसद पेश करेगी, लेकिन इसे वार्षिक वित्तीय विवरण में नहीं जोड़ा जाएगा। पूरा धन विधेयक के सारे आर्टिकल आपको बता दिए हैं, समझ में ना आए कमेंट बॉक्स करें, क्योंकि धन विधेयक का एक एक आर्टिकल जो हम पढ़ते रहेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा, और अभी 395 तक का पूरा सफ़र बाकी है, इसीलिए हम आपको एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ाएं। कुछ डाउट क्लियर ना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लोकसभा का प्रोड्यूसर कोड क्या है, वहाँ पे क्या दलीलें दी जाती हैं, आर्टिकल 117 तक कंप्लीट है, आर्टिकल 118 में मिलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अभी जो हमने पढ़ा दिया है इसके बारे में विस्तृत आपको हम फिर से पढ़ाएंगे, रिवीजन पढ़ा कर आएंगे, सारे आर्टिकल एक साथ पढ़ा के। अभी एक एक आर्टिकल पढ़ाया जा रहा है आपको, इसलिए क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जो एक एक शब्द जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ धन विधेयक में ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए आपको एक साथ सारा पढ़ा दिया, घुमा फिरा के कहानी वही है, लोकसभा राज्यसभा बिल पास ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उनको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।